लदाख एक्सप्रेस चैनल एहत गमारदगा मोहम्मद मुसा इंतजा शारजा स्टेडियम ने रिपोर्ट चलप चुनित खान 11 क्रिकेट टॉर्नामेंट दिरिंग फाइनल मैच शारजा स्टेडियम तीन ग्रीन गैलेक्सी का कोशिल काउंटी क्लब इबर ग्रीन गैलेक्सीज गोमा बिंग सिंह इबियाना चौगार अंदाजना दरे काउंटी क्लब सेंदाजा रिपोर्ट चलप चुनित क्रिकेट टॉर्नामेंट नजम से लदाख एक्सप्रेस हवा में नहीं और आशिक हुसैन इस पारी की शुरुआत करते हुए काउंटी क्लब के लिए 214 रनों का टारगेट यहां पे रखा गया है। उस टारगेट को हासिल करने में दोनों सलामी बल्लेबाज पावर प्ले के 6 ओवरों में किस तरह का रोल यहां निभाते हैं, क्योंकि 215 रनों का जो टारगेट है उसको हासिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गारे जुड़ियाल छौ अचान छी पता छै अचान हमर खास मैच किस्ते मर्चस्पी अरे हालात पर दोस्ताना शिलिक से पर खैर छौ से खेजा तदे जा ते हिसाब कना दी टीम न जबरदस्त जत मखवा कमजोरी में दे जा खो से 15 ओवर यानो करीब 80 चोसखान इन फोस छी पता दिनी अंदाजा 100 200 गैलर से मार खून गैलर नीस पर खून ओट छौ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिरिंग का संडे जा खान 11 2024 ही फाइनल में शानुक का कोशिलिक चना कोंटी 11 लेप से दुख दिका का कोशिलिक चेस पहला बैटिंग में स्पिन दिरिंग 215 टारगेट था स्पिन दिर गया ना दे कोंटी 11 इस चेस बेन दुख लेकिन रियल कोंटी 11 रियल भी चांस ना अगर मास्टर नियास का तो लूस ना अगर मास्टर नियास विकाट का तो थोब ना का कुछ लिख से चांस इन गल भी सपोर्ट सम से जरूरी छ से देर सपोर्ट खास कर नति में मान जरूरी क्योंकि दरे दौर पे अनु ज्यादा फोन मोबाइल एडिक्शन शायद मोबाइल के गेम से अगर मोबाइल के गेम का तो मरचा गते मति फिजिकल गेम का ज्यादा ध्यान दाना गति सियात फिर बहुत ही मतलब जरूरी सियात ठीक अनु छ ना क्रिकेट पसंद होता मचाऊँ मजूदी का मुँह तुगा बैठ से ग्राउंड हालत अच्छी ग्राउंड है इतना फैसिलिटीज़ में क्योंकि मतलब ज़्यादा बाल वाल तौर भी चांद हो दोनों ग्राउंड ज़्यादा रफ होते इंजुरी से ज़्यादा प्लेयर चांद होते फिलहाल गवर्नमेंट अच्छी दी गुजारिश इनकी अच्छी ग्राउंड और दिमो बस चूज दोनों फेंसिंग वेंसिंग तमाम रोश ग्राउंड बाहर मिर्चा नाज ऑनलाइन गेमिंग अच्छा सिर्फ क्रिकेट से मी मैसेज पुदियाना है इनकी गता ऑनलाइन गेम बस ज़्यादा मतलब फिजिकल गेम का ध्यान तंग मरूशिन इस मैच के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ का कुछ शिलिक्षा के प्लेयरों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उनका गेंदबाजी इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहे मतलब अभी और अभी जो बल्लेबाजी कर रहे वो बहुत अच्छा खेल रहे उनका अभी शायद से 2 विकेट अभी हुआ है उनका और अभी मास्टर नियाज और एक प्लेयर है उसका नाम तो पता नहीं है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हर जीत तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम जना जरना सबसे दिया आता सपोर्ट से आती यूथ को इन्वॉल्व छाना का तो वो बहुत ही बेहतरीन है। आजकल आपको पता है माशरे का चाहे जरमाना कोई मोबाइल एडिक्ट कोई मिसाल के तौर पर अति ड्रग्स वग्स एडिक्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है इससे बेहतर है हम यूथ को ज़्यादा सपोर्ट में अगर इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो आता अति माशरे के लिए भी अच्छा है। एक तो यहाँ जरना अति बॉडी एक्टिविटीज के फिया एक्सरसाइज सब कुछ है हर जीत तो यहाँ से इट्स पार्ट आपके भी पता और तस्पय चाहे ध्यान बेहतरीन इंशाल्लाह अच्छी का कोशिश से टीम को काफ़ी मेहनत बस है फाइनल तक पहुंचा है इंशाल्लाह जो मेहनत करके यहां तक पहुंचा है वो बस अगर अच्छा खेलेंगे वो जीत जाएंगे। जो पहला ज़माना एक तो यहाँ सबसे बेहतर अतिफिया स्पोर्ट्स अच्छी का टाउन एरिया लोग आता मिसाल के तो ग्राउंड फैसिलिटीज़ बिल्कुल मेथ एक तो ग्राउंड होने तो अन इवन ग्राउंड अचानक सडन राइस से काफ़ी इंजुरी शायद छा अति मैं बोलता हूँ अति करगिल खास कर अगर ग्राउंड फैसिलिटीज मिथ के बावजूद इतना अच्छा सपोर्ट परफॉर्मेंस देता है वो एक फ़ख्र की बात है और टेक्निक तो अतिफ्रून दे इतना रफ फील यानो अतर से नोत छा टेक्निक माशाल्लाह अतिफ्रून डे बाई डे इम्प्रूवमेंट। मुसा भाई शुक्रिया आपका ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस ग्राउंड में
काफ़ी हद तक अभी जो ऑर्गेनाइज़र टूर्नामेंट चला रहे हैं खान साहब, काफ़ी हद तक काम किया। हम पिछले 2-4 साल से कंटिन्यूसली यहाँ खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनड्यूलिंग थी उस पर काफ़ी हद तक काम किया। और मज़ीद यहाँ पर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से भी फर्दर रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि बेमथन के अलावा एक अल्टरनेटिव नियर बाई विद इन द सिटी एक मतलब अल्टीमेट ग्राउंड है, बहुत अच्छा ग्राउंड है, इसको डेवलप करने की ज़रूरत है मज़ीद। और सैनिटेशन बाउंड्रीज थोड़ी छोटी है, थोड़ा वाइडनिंग वगैरह करके वाशरूम वगैरह की फैसिलिटी, और बहुत ज़्यादा अनड्यूलिंग इंजरीज का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, उसमें थोड़ा और मशक्कत कर सकते हैं, या कंसर्न काउंसलर के थ्रू डेवलपमेंट कोई फंड CDF के थ्रू, या इधर एडमिनिस्ट्रेशन भी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स भी मतलब इस ग्राउंड को अपने सुपरविजन में लेके बढ़िया से डेवलप कर सकते हैं। 52 टीम ने पार्टिसिपेट किया है और आज आप कैप्टन फाइनल में पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है, किस तरह का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है मूसा भाई, बहुत अच्छी अच्छी टीमों के साथ खेलने के बाद हमें फाइनल में पहुंचने का मौका मिला, और दूसरी टीम भी काफ़ी अच्छा खेली, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 200+ का एक टारगेट दे दिया, और अभी हमारी भी लगी है कोशिश, 20 ओवर है, यू नेवर नो, गेम कभी भी किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, 1 या 2 प्लेयर को 50+ स्कोर करना है तो गेम ज़्यादा दूर नहीं है। टारगेट थोड़ा ओबियसली ज़्यादा है, मतलब कुछ रन्स मतलब लीक हो गए, ये गेम का पार्ट है मूसा भाई, तो हमारे 1-2 बैट्समैन को कुछ अच्छे स्ट्रोक्स खेलने पड़ेंगे और इंशाल्लाह गेम ज़्यादा दूर नहीं है। ऑर्गेनाइजर की तरफ से रूल रेगुलेशन का ख्याल रखा जा रहा है? ऑर्गेनाइजर की तरफ से रूल रेगुलेशन का बहुत अच्छा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन मतलब प्लेयर्स के लिए जो इंजरी के लिए मतलब फैसिलिटीज़ रखनी चाहिए है ना, कोई फार्मासिस्ट टाइप का या फास्ट सेट टाइप का, वो सारी फैसिलिटीज़ वगैरह मुहैया होनी चाहिए। और मज़ीद मैं ज़्यादा फोकस इसी पे करूँगा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड के डेवलपमेंट पे थोड़ा, और वाशरूम की कहीं कोई फैसिलिटी आपको नहीं दिखेगी दूर दूर तक, ओपन में शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो आप वाशरूम की फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। दरंग नंबर चौहान सर चौहान सर, आज के इस टूर्नामेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे, किस तरह के मैसेज जवानों तक पहुँचा? हाँ, यही है कि जवानों के लिए मैसेज है कि ऐसी टूर्नामेंट होते रहनी चाहिए, इससे काफ़ी टैलेंट भी निकल के आता है और युवाओं में खेल भावना बढ़ती है, और किसी गलत रास्ते पे जाने से अच्छा है कि लड़कों का ध्यान स्पोर्ट्स में रहे, तो ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए, और हम आशा करेंगे कि ऐसे इसमें बेहतरीन टैलेंट निकल के आए कोई, और आगे हमारे स्टेट को, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। चौहान सर, बीआरओ की तरफ से भी ऐसा कुछ इनिशिएटिव्स आने वाले टाइम पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी यूनिट है बीआरओ की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए बीआरओ लगभग बॉर्डर एरिया में काम कर रहा है अभी, तो हम लोग जितना भी अपनी तरफ से डेवलपमेंट हो पा रहा है हम कर पा रहे हैं, और जितना भी सिविलियंस के लिए अपने युवाओं के लिए हमसे इनिशिएट होगा हम करेंगे अपनी तरफ से जो हम कर पाएँ, ऐसे छोटे मोटे इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाएँ तो हम अपनी तरफ से जो कर पाएंगे हमारी तरफ से हम हमेशा आगे रहेंगे। क्रिकेट नज़म से रस गज़ो समझोइक मिमासिदुन ललच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबस्तान अल्लाह दाग एक्सप्रेसी मुस नोनो मुसी यारा शुक्रिया बे चीज़ ना यान दिगस क्यों ते दी कीमती वक़्त फिंग से दी मैच पे कवरेज बचा दे फिंग आज जाना मशकूर बे, लिहाजा जहाँ तक दी खेल मुतल्लुक या ना खेरे ना दी मैच पो खान एलेवन निज दी मैच पो मैनेज बस हिंसुक, लेकिन दिफिया बांजा टीम इस दियानो हिस्सा लेंस हिंसुक टीम या आखिर ला कौंटी कला बरून ना का को शिलिक से आखिर आखिरी फाइनल पे होंगे इसका मैच सेंडुक, जहाँ तक मैच इतालो गज दरे दी मैच या ना दी खेल कूद नतीफिया सखत जन बींगे में पारामेडिक गज रिटायर सों सिंह खेल कूद एक्सरसाइज दू स्ना दी बच्चे लोर चू चौगा बच्चे दरे मन जरूरी सों सिन दी बच्चे स्ना अति फिजिकल एक्सरसाइज तो यूली लेवल का माली लेवल का एक्सरसाइज यूली अंग लाज पिन तेरे दोन गंग में आप सिल्यूर सों सिन लिहाजा दीजे ती खेल कूद इनकाद बा हर इंसान ना जरूरी ना फरज है दियो में मुस्तकबिल अंग खुसूस अति लोकल गवर्नमेंट इज दी का लज बस है दियो इंशाल्लाह दी बच्चे बोचो जहाँ का खेल कूद अच्छी अच्छा मंजर ना करगिल ना ठगरी सी में निमो
या नदियाँ यूँ मार पोलोर से यंग टीम का तो यंग बाकी मीन ला यूँ ना कनेक्टिविटी सही होत करगिल ना निमो होत ग्राउंड पर सही होत बाकी चीज़ यो यंग कम्युनिकेशन इस सारा गंग में सही होत इंशाल्लाह उम्मीद बे यूँ मुस्तकबिल यंग खेलकूद में मा यंग बाकी फिजिकल एक्सरसाइज बखान ला गाड़ी खरीदी का यूँ ना जियो एक किस्म का छो अपॉर्चुनिटी होत।